दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में कक्षाएं ऑफलाइन संचालित कराए जाने के संबंध में कुलपति को संबोधित ज्ञापन डीन को सौंपकर ऑफलाइन क्लास प्रारंभ करने की गुहार लगाई। इस दौरान छात्रों का आरोप था कि विद्यार्थियों को तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन कक्षाएं लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए विद्यार्थियों की कक्षाओं को नियमित रूप से ऑफलाइन संचालित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीन ने कहा, आपके सामने कार्यवाहक भाई चांसलर साहब की, डीएसडब्ल्यू साहब ने आपकी रिसीविंग, आपके डीन और हेड साहब की और डीएसडब्ल्यू साहब का धन्यवाद, बस यही चाहिए और उम्मीद है कि आप ठीक है क्लासरूम टीचिंग के लिए, क्योंकि शासन प्रशासन का इस पर अभी मना किया गया है, जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है और हमारे वाइस चांसलर उनसे बात कर लेते हैं तो उसके बाद जैसा सकारात्मक होगा वैसा किया जाएगा बच्चों के इंटरेस्ट में। उनकी मांग थी क्लासरूम टीचिंग के लिए, वह ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा था तो तमाम नेटवर्किंग की समस्या से जूझ रहे थे, बच्चों ने कहा कि पढ़ाई उस पर नहीं हो पाती है, हमारी क्लासरूम टीचिंग की जाए, इसे पीजी में किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब हमने ये कहा कि भाई ठीक है वाइस चांसलर साहब आ जाते हैं, जैसा शासन प्रशासन का जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है।